असलम वरम वर्क सो फाइनली वी आर इन माया और इस वीडियो में जो है हम कुछ बेसिक्स देखेंगे एनिमेशन की और जो जो टूल्स हमने यूज़ करने हैं इस सीरीज़ में उस टूल के बारे में देखेंगे जिस तरह हमने लास्ट जो सीरीज़ है उसमें ट्वेल्व प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन जो हैं वो हमने लर्न किए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वो क्या हैं एग्ज़म्पल्स के साथ Uh, तो इस सीरीज़ में जो है जैसा कि मैंने लास्ट सीरीज़ में बताया था कि जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें हम इन माया के अंदर जो है वो एक्चुअल जो है वो एनिमेट करेंगे और काफ़ी एक्सरसाइज करेंगे जिसके थ्रू जो है हम लर्न uh, करेंगे कि माया में एनिमेशन कैसे की जाती है सो लेट्स कर स्टार्ट इट सो हम ऑलरेडी माया में हैं ठीक है ये इसका इंटरफेस है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक जो नेविगेशन है वो आप लोगों को आती हो इसमें रोटेट करना पैन करना और जूम इन जूम आउट करना और बाकी की जो बेसिक चीज़ें हैं जो और अगर आपको नहीं मालूम तो डोंट वरी बेसिकली आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में माया मैक्स ब्लेंडर इन सब की जो हैं वो बेसिक्स सीरीज जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो वहाँ से जाके जो है आप बेसिक जो नॉलेज है वो आप वहाँ से गेन कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं सो so, हम स्टार्ट करते हैं जी आ, अपनी वीडियो और बेसिकली ये इसकी जो है पर्सपेक्टिव है ठीक है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ अभी आ रहा है ये आ, बेसिक वीडियो होगी जिसके अंदर जो है वो तमाम लेवल के जो हैं लोग जो मतलब बहुत एडवांस लेवल हैं ऑब्वियसली उनको तो ज़रूरत नहीं है जो एक्सपीरियंस लोग हैं लेकिन जो लर्न कर रहे हैं माया जो लर्न कर रहे हैं या जो एनिमेशन लर्न करना चाह रहे हैं मॉडलिंग लर्न करना चाह रहे हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं जो बाकी लोग हैं एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आई थिंक ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखना चाहें शायद आपको कोई नए टिप्स एंड ट्रिक्स आप बीच में लर्न कर लें तो वो आपके अपनी चॉइस है सो so, ये पर्सपेक्टिव है ठीक है आप एक बार टैप करेंगे स्पेस को तो बेसिकली आपका माया कुछ इस तरह जो है वो खुलेगा आप किसी भी ये माउस हवर करेंगे किसी भी माउस हवर करेंगे आ, किसी भी स्क्रीन के ऊपर तो उसके ऊपर जाके आप एक दफ़ा टैप करेंगे स्पेस को स्पेस पर टैप करने से ये मैक्सिमाइज कर देगा उस व्यू को और दोबारा टैप करने से ये आ, जो है मिनिमाइज कर देगा और हम बेसिकली प्रसटिव में जाते हैं और ये आ, आपका ग्रिड है ये आपका परसक्टिव है जैसा कि नीचे लिखा हुआ है और एनिमेशन हमने करनी है ये बेसिकली आपकी है जी टाइम ठीक है ये आपका स्लाइडर है ठीक है जो मैं स्लाइड कर रहा हूँ टाइम लाइन लेफ़्ट क्लिक से माउस के और ये आपके फ्रेम्स हैं जिस तरह आप यहाँ देख रहे होंगे नंबर भी लिखा हुआ है एक दो ठीक है तीन चार पाँच छः और ये चलते जा रहे हैं और ये वन ट्वेंटी तक है उसके बाद आपका ये स्लाइडर आ गया और यहाँ पे आप देखें कुछ तो 120 लिखा हुआ है यहाँ पे जो एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं आप रेस कर सकते हैं आप मैनवली कुछ भी आप टाइप करना चाहें वो नंबर टाइप कर सकते हैं जबकि राइट साइड पर आप देखें यहाँ भी नंबर लिखे हुए हैं टू ये वन आप देखें तो ये आपको फ्रेम बता रहा है कि आपके टोटल फ्रेम है ये वन और वो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट से यहाँ पर अगर मैं 100 कर दूं तो आप देखें यहाँ पे आपके फ्रेम 120 से हट के 100 हो गए ठीक है और ये आपको बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि आप करंटली कौन से फ्रेम पे हैं जिस तरह अभी मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे इधर भी नज़र आ रहा है 29 और इधर भी मुझे नज़र आ रहा है कि 29 नाइन यहाँ से मैं जंप भी कर सकता हूँ लेट से मैंने 75 फ्रेम पे जाना है मैं डायरेक्ट लिखूँगा 75 और एंटर करूँगा और ये सेवेंटी फ्रेम जो है उसके ऊपर जंप कर और दूसरा जो यहाँ पर टू लिखा हुआ है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देखें यहाँ पर वन टू हंड्रेड इस स्लाइडर तक लिखा हुआ है और इसके लेफ्ट साइड पे भी एक छोटा सा बॉक्स है और राइट साइड पे भी छोटा सा बॉक्स है ठीक है ये वन जो बता रहा है कि ये वन फ्रेम से लेके हमारे जो इस टाइम टाइम लाइन है उस पर हंड्रेड फ्रेम तक है अगर ये राइट साइड पे जो हंड्रेड जहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं लेफ़्ट क्लिक से प्रेस एंड होल्ड करके रखूँ तो आप देखें इसका कलर चेंज हुआ है और अब अगर इसको मैं स्लाइड करूँ अपने माउस को तो आप देखें राइट साइड से मेरी टाइम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज़ मैं कर सकता हूँ ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं इसको मैक्सिमम करूँ तो आप देखिए 200 से आगे ये मेरी टाइम लाइन नहीं इंक्रीज कर पा रहा मैं उसकी वजह ये है कि ये जो राइट साइड पर ये जो बॉक्स है ये 200 का नंबर लिखा हुआ है ये ये ही वजह से है ये वाला बॉक्स अगर यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ 300 तो आप आप देखिए मेरे पास ये स्लाइडर और ज़्यादा रेंज आ गई है और इसको मैं और बढ़ा सकता हूँ ठीक है अपनी टाइम लाइन पर फ्रेम जो हैं वो और बढ़ा सकता हूँ अब मेरे पास थ्री हंड्रेड तक रेंज है लेट से अगर यहाँ मैं जितना बढ़ाना चाहूँ कम करना चाहूँ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ये मेरी है टोटल रेंज कि मैं यहाँ से कितनी बढ़ा सकता हूँ लैट से मैंने यहाँ पर थ्री हंड्रेड लिख दिया है लेकिन अभी मुझे हंड्रेड फ्रेम पर काम करना है तो मैंने अपने हंड्रेड फ्रेम सेट कर लिए मुझे जो शो हो रहे हैं वो हंड्रेड फ्रेम शो हो रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो रहे मैं यहाँ पर टाइट टाइप भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैनवली जो है मैं बढ़ा भी सकता हूँ अपनी मर्जी से जो यहाँ पे मुझे शो भी हो रहे हैं इसी तरह मेरे लेफ़्ट साइड है यहाँ से वन है अगर मैंने वन से स्टार्ट करना है अगर वन से नहीं करना है लेफ़्ट से मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं फिफ्टी से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो अगर मैं देखूँ ये मैं यहाँ से फिफ्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मेरी जो टाइम लाइन है फिफ्टी से टू ज़ीरो टू तो तक जो है टू हंड्रेड एंड टू तक वो हो रही है ठीक है मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकता हूँ लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हंड्रेड और यहाँ पे फिफ्टी है अगर यहाँ पे मैं थर्टी लिखना चाहूँ बजाय ये टाइम स्लाइडर मैं स्लाइड करने के मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं इसको कह देता हूँ लेट से जी थर्टी तो अब मेरी टाइम लाइन जो है वो थर्टी से स्टार्ट हो रही है इसी तरह यहाँ भी दो बॉक्स हैं ये बॉक्स है वन कि मेरा अगर ये कम्प्लीट मैं लेफ्ट पे कर दूँ तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है तो ये मैक्सिमम जो डिक्रीज मैं कर सकता हूँ ये वन तक कर सकता हूँ लेट से मैं वन से नीचे भी जा सकता हूँ लेट से मैं इसको कह सकता हूँ मैं अगर यहाँ पे कर दूँ माइनस और माइनस टेन कर दूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास और ज़्यादा रेंज आ गई है मैं दोबारा यहाँ से स्लाइड करूँ तो अब मेरी टाइम लाइन माइनस टेन से स्टार्ट हो रही है और हंड्रेड तक जा रही है तो ये काफ़ी ऑप्शनस हैं मैं किसी भी तरीके से खेल सकता हूँ ठीक है लेट से मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए वन uh, कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं वन ही कर देता हूँ ठीक है जी और यहाँ पे आप चेंज दोनों तरफ चेंज कर सकते हैं आप समझ गए होंगे ठीक है तो ये बेसिकली ये चीज़ है यहाँ पे आप करंट फ्रेम देखते हैं ये सारा कुछ है उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएँ ये करेक्टर सेट्स हैं ये आगे हम देखेंगे एन लेयर ये भी आगे फर्दर चीज़ें हैं एडवांस चीज़ें हैं थोड़ी देखेंगे जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचेंगे इन हम इसके बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़ेंगे ये आपके आगे जी फ्रेम ये यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करें और ये आपको मालूम होना चाहिए आप अगर सॉफ्टवेयर वगैरह कोई यूज़ करते रहें जहाँ भी इस तरह के डॉट वो चाहे इस साइड पर एरो हो या इस तरह का निशान हो तो इट्स मीन कि वो मेन्यू है उसमें फ़र्दर ऑप्शंस मौजूद हैं ये है जी टाइम फ्रेम एफ पी है हमारे फ्रेम पर सेकेंड जो है वो हम सेट कर सकते हैं लेट से कि यहाँ पर ये बता रहा है फाइव फ्रेम पर सेकेंड तो आप देखें आपकी टाइम साथ साथ चेंज हो रही होगी यानी कि फाइव फ्रेम का हमारा एक सेकंड होगा फाइव फ्रेम में मैं एनिमेशन बनाऊंगा तो वो यहाँ से ये लेके यहाँ तक ये मेरा एक सेकंड की एनिमेशन बनेगी और यहाँ से मैं आता हूँ एट फ्रेम ये देखें आपकी टाइम लाइन सारी नीचे चेंज रही हो रही होगी ये मैं कुछ भी करूँगा ये मैं फिफ्टीन फ्रेम पर आता हूँ ये देखें आपकी टाइम लाइन मुसलसल नीचे चेंज हो रही है तो लेट से ये डिफ़ॉल्ट टेंटी है ट्वेंटी फोर ही रखते हैं ये आगे इन हम जब ये बेसिक्स के बाद हम आगे गेम एनिमेशन जो स्पेसिफिकली एक कोर्स में डिज़ाइन जो है वो कर रहा हूँ गेम एनिमेशन के हवाले से तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे उसके बाद आपका ये आ गया जी आपका जिस तरह थोड़ी देर आप माउस किसी भी बटन के ऊपर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप थोड़ी देर अगर माउस होवर करके रखें किसी भी बटन के ऊपर तो उसके नीचे आपको डिटेल आ जाएगी जिस तरह यहाँ पे आ रहा है जी प्ले बैकवर्ड ठीक है और प्रेसिंग द स्केप की विल स्टॉप प्लेबैक ठीक है अगर मैं इसको प्ले करूं ये देखें बैकवर्ड प्ले हो रहा है और स्केप की उसने कहा था प्रेस करने से स्टॉप हो जाएगा ठीक है इसी तरह ये आगे आ गया जी आपका फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड प्ले होगा और स्केप प्रेस करने से ये भी जो है स्टॉप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ओवर करते हैं यहाँ पे ये बता रहा है जी स्टेप बैक वन की इसको क्लिक करने से ये देखें जी ये स्टेप बैक वन की लेकिन आप देखेंगे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा वो इसलिए नहीं हो रहा कि ये आपकी टाइम लाइन है लेकिन एक्चुअल की आपने रिकॉर्ड नहीं की ये भी आपको आगे फर्दर मैं समझाता हूँ और इसी तरह ये भी आपका है लास्ट और एंड ये आपका होगा ये सबसे लास्ट की में आ जाए या सबसे आ, स्टार्ट वाली की में आ जाए मैं इसको एक दफ़ा हंड्रेड कर लेता हूँ ये आपको अनोइंग ना लगे एक, एक राउंड नंबर होगा ये आपका इसी तरह लास्ट और नेक्स्ट आ गया ठीक है जी उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं ये आपकी आ गई है जी ऑटो की ठीक है आप देखें ऑटो की फ्रेम टॉगल ये भी आपको अभी समझाते हैं उसके बाद आपकी ये कुछ आ गई आपकी एनिमेशन प्रेफरेंसेस ठीक है इसको आप क्लिक करें इसको आप नेट से भी देख सकते हैं अपने तौर पे भी देख सकते हैं ये बेसिकली आगे जो एडवांस चीज़ें हैं उसमें देखने के लिए ये जो अभी की वीडियो है उसमें ये इतनी ख़ास हमें देखने की ज़रूरत नहीं है ये टाइम स्लाइडर के जो है वो अकॉर्डिंगली और एनिमेशन के अकॉर्डिंगली ये जो सेटिंग्स हैं इंटरफेस और ये सेटिंग्स हैं उनकी बेसिकली प्रफिस हैं ठीक है तो अभी आप देखें अभी हमने टाइम स्लाइडर जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है अभी देखें ये टाइम डिस्प्ले फ्रेम्स में है अगर मैं टाइम कोड करूँ ठीक है तो ये वो चेंज हो जाएगा कुछ भी मैंने चेंज करना है ये उसमें हो जाएगा ये देखें ये फ्रेम इधर भी आ रहे थे एफ पी एस यहाँ से भी चेंज करना चाहूँ मैं फाइव देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑप्शन हमें काफ़ी जगह मिल जाती हैं माया में इस तरह का होता है ये जिस तरह टू एक्स स्पीड है ठीक है की थिक साइज़ ये टू एक्स है थ्री एक्स है ये बेसिकली आपका वन पे होता है आप टू एक्स करना चाहें थ्री एक्स करना चाहें वो जितना करना चाहें आप कर सकते हैं मैंने टू एक्स पे रखा हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ ये किसमें क्री जो है बेसिकली मैं अगर एस प्रेस करूँगा एस ठीक है एस प्रेस करने से ये की फ्रेम रिकॉर्ड होता है इसको मैं कैंसिल करूँ अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अभी कुछ है नहीं रेफ्ट से मैं शिफ्ट और राइट क्लिक दबाता आता हूँ और यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ क्यूब ले लिया एफ प्रेस करता हूँ इसको फ्रेम थोड़ा सा कर लेते हैं और थोड़ा सा बैक कर लेते हैं अब अगर मैं देखें एस प्रेस करूँ तो आप देखें यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन लग रही है ठीक है ये एक की फ्रेम रिकॉर्ड हो रहा है मैं फोर फ्रेम पे आता हूँ दोबारा एस प्रेस करता हूँ आप देखें यहाँ पे दो रेड लाइनें लग गई हैं ये आपकी जो है की फ्रेम है आपका जो रिकॉर्ड हुआ है ठीक है इसको टाइम स्लाइडर को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने सेम जगह पर रिकॉर्ड की है की इसलिए लेकिन इसकी आपको इस की के बारे में बताता हूँ जिस तरह ये वाली की हम देख रहे थे जिस तरह ये स्टेप वन बैक और स्टेप जो है यहां पे आप रखें स्टेप फॉरवर्ड वन की इसको अगर मैं प्रेस करूँ अभी तो अभी आप देखें ये वर्क कर रहा है अगर बैक वाले को करूँ तो ये स्टेप बैक कर रहा है जीरो पे जा रहा है दूसरी की मैंने फोर पे रिकॉर्ड की है अगर इसको मैं प्ले प्रेस करूं तो फोर पे रिकॉर्ड हो रहा है और शिफ्ट प्रेस करके आप रखें और उसके बाद लेफ्ट क्लिक आप ड्रैग करेंगे तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया टाइम लाइन के ऊपर इसके साथ आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं लेफ्ट से कि मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें ये दोनों कीज़ मेरी रेड है ये मैं शिफ्ट करके सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्टेड है इसलिए ये येलो हो गई हैं अब मेरे पास काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं आप अगर देखें मैं ये सेंटर में है ये दो एरो बने हैं अगर मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ तो आप देखिए मैं अपनी जो रिकॉर्डेड मैंने कीज़ हैं जो रिकॉर्ड की हुई हैं उसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ और अगर आप यहाँ पे गौर करिए ट्वेंटी नाइन ये मुझे बता रहा है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ ठीक है ये वाली की जो मेरी है कौन से फ्रेम पर आ रही है लेफ्ट से मैं इसको फोटी भी करना चाहता हूँ तो जैसे ही यहाँ पर फोटी लिखा जाएगा मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा अपना लेफ़्ट क्लिक और ये फोटी भी आएगी और कहीं भी लेफ़्ट क्लिक मैं एक दफ़ा कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी सिलेक्शन और दोबारा अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये तो चीज़ होगी इसकी अब अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर एक कह रो है और राइट साइड पर एक कह रो अगर मैं लेफ़्ट साइड पर क्लिक करता हूँ और प्रेस एंड होल्ड और अगर अब आप देखें तो आपकी जो डिस्टेंस है बीच में गैप है वो लेफ़्ट साइड पे मैं गैप बढ़ा रहा हूँ दो कीज के दरमियान या जितनी भी मेरी जो सिलेक्शन है वो बेशक नंबर ऑफ कीज़ हैं वो हंड्रेड कीज़ हो सकती हैं टू थ्री फोर जितनी भी कीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डिपेंड करता है जो मेरी सिलेक्शन है सिलेक्शन पर डिपेंड करता है उसको मैं जो है इससे ग्रो कर सकता हूँ श्रिंक कर सकता हूँ ठीक है और इसी तरह राइट साइड पे अगर एरो को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं ग्रो कर सकता हूँ या श्रिंक कर सकता हूँ अपनी जो है उसमें गैप बढ़ा सकता हूँ कीज़ में या कम कर सकता हूँ ठीक है तो ये दोनों चीज़ें तो होगी उसके बाद आ गया डिलीट की बात मैं राइट क्लिक करूँगा ये दोनों सिलेक्टेड है मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट डिलीट ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं ये बेसिक जो है कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा मैं सिंपल डिलीट करूँगा तो आप देखें मेरी जो टाइम लाइन पर कीज़ हैं वो डिलीट हो चुकी है और अब आ गया जी ये आपका साथ ये वाला जो है एक दफा मैं यहाँ पर जाता हूँ प्रेफरेंसेज पर और यहाँ पे आप देखें टू एक्स रखा हुआ है अगर मैं थ्री एक्स करूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव ठीक है अब अगर देखें आप अगर मैं एस प्रेस करता हूँ ठीक है अब अगर आप देखें इसकी कितनी थिकनेस बढ़ गई है ठीक है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ आपको आइडिया ताकि हो सके मैं वन एक्स पे करता हूँ और सेव करता हूँ और अब अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो आप देखें ये दोनों कीज़ कितनी बारीक हैं और अब मैं दोबारा जाता हूँ प्रेफरेंसेस में और इस पर आगे टू लेट से मैं करता देता हूँ सेव करता हूँ वो देखें ये थिक हो चुकी हैं दोबारा यहाँ पे आए और अगर मैं थ्री करूँ ये देखें यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है मैं वन करूँ टू करूँ थ्री करूँ तो ये आपकी अपनी चॉइस है मैंने टू पे रखा हुआ है इसी तरह फर्दर है ये वन एक्स पे चलाए ठीक है जीरो पॉइंट फाइव के हाफ पे चलाए वन रियल टाइम स्पीड है प्ले एवरी फ्रेम Uh, हर फ्रेम जो है वो प्ले करेगा ये ट्वेंटी फोर फ्रेम पर सेकेंड उसके हिसाब से करेगा ये काफ़ी ऑप्शन हैं ये आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम हम भी देखते रहेंगे और इसको आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेट से कि जी इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर उसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल इसकी सिलेक्शन रहते हैं रिमेंबर और राइट क्लिक करेंगे इसको कर देते हैं जी डिलीट और ये डिलीट हो गया मैं आ गया ज़ीरो पे और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके लेट से मैं कर लेता हूँ जी थर्टी फ्रेम मुझे थर्टी फ्रेम चाहिए जीरो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे ज़ीरो से नहीं मुझे वन से चाहिए और मेरे पास जो है आप देखें वन से फ्रेम आ गए ये मेरा जी एक बॉक्स है इसको मैं करता हूँ सिंपल डिलीट प्रेस करूँगा डिलीट हो जाएगा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से जी मैं शिफ्ट राइट क्लिक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी एक लेट से जी स्पेयर मैंने एक स्पेयर ले लिया ठीक है जी और स्पेयर लिया इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ डब्ल्यू से मैं मूव करूँगा और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ इसके लेट से राइट लेफ्ट किसी भी व्यू में चला जाऊँ मैंने इसको अलाइन करना है ठीक है यहाँ पे अलाइन करना है और मैं यहाँ से वापस आऊँ और मैं यहाँ परस्पेक्टिव में आऊं और ये देखें आपका जी ये एक स्फेयर है सिंपल स्फेयर है जो ज्योमेट्रिक आपकी शेप्स हैं वो हैं बेसिकली अच्छा जी ये आ हाँ गया लेट से जी मैं ये स्फेयर रखता हूँ यहाँ पे ठीक है और मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ एस तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक की रिकॉर्ड की है अगर मैं इसको अभी यहाँ पे लेके जाऊँ और मैं टाइम लाइन को जूँ ही छेड़ता जाऊँगा तो वो वापस अपनी जगह पे स्नैप कर देता है इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये है कि माया ने बेसिकली इसकी जो पोजीशन है इस टाइम जो इसकी ये इस टाइम जी पे है आप अगर यहाँ पर देखें जी पे और वाई पे ये वन इसको लेट से मैं कर देता हूँ वन ठीक है जी और ये मैं इसको राउंड फिगर करता हूँ जी टेन आप देखें यहाँ पे चेंज हुआ है लेकिन यहाँ पे अगर हल्का सा मूव करता जाऊँ तो ये जगह से हट जाता है अच्छा इसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको आगे करूँ जी टेन ठीक है और यहाँ पे आऊँ इसको आगे करूँ वन ठीक है और उसके बाद मैं यहाँ पर आके एक्सप्रेस करूँ और एक सेकेंड इसको मैं स्केप दबाऊँ और अब मैं आके एक्सप्रेस करूं और ये मेरी पोजीशन जो है ये रिकॉर्ड हो गई है दोनों वन और टेन अब अगर मैं टाइम लाइन को छेड़ूँ तो देखिए मेरा स्फीयर जंप नहीं कर रहा स्नैप नहीं कर रहा कहीं पे ये ही हैडल से बचने के लिए बेसिकली ये ऑटो की की ऑप्शन जो है ये है लेट से कि जी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ऑटो की ऑन कर लेता हूँ और लेट से मैं यहाँ पे हूँ ठीक है और यहाँ पर आके के से मैं यहाँ से छेड़ दूँ या मैं यहाँ नाइन है लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेवन आप देखें सेवन पे आ गए और इसको मैं नहीं छेड़ता ठीक है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी एंटर ठीक है और अभी आप देखिए मैंने कोई एक्सप्रेस नहीं किया सेव नहीं किया अपनी की कि, और आप देखें तो माया ने ऑटोमेटिकली मैं थ्री पे था तो थ्री पे उसने ये ऑटो की ऑन है तो मैं जो कुछ भी जो कुछ भी करूँगा अगर मैं इसको और आगे करता हूँ तो अब आप, आप देखें अभी यहाँ तक जा रहा है अगर मैं सेवन पे आता हूँ और इसको यहाँ तक करता हूँ तो एक और की रिकॉर्ड हो गया अब आप, आप देखें वन टू थ्री वो यहाँ तक जा रहा है और थ्री टू सेवन वो यहाँ तक जा रहा है यानी कि ऑटो की मेरी ऑन है मैं कुछ भी करूँगा वो ये रिकॉर्ड करता रहेगा इवन मैं यहाँ से आऊँ मैं यहाँ आके इसे रोटेट भी करूँगा तो ये रोटेट की भी जो है वो आपके सामने रोटेट भी हो रहा है मैं ट्वेंटी वन पर आता हूँ और ट्वेंटी वन पर आ मैं इसको स्केल भी करता हूँ ऐसे कर दूँ या ऐसे कर दूँ आप देखें यहाँ पे सारी कीज रिकॉर्ड हो रही हैं और ये रेड हो रही हैं मैं कंट्रोल जी करूँ अगर तो आप देखेंगे कि ये ये देखेंगे आप ये जो चेंजिंग मैंने की है वो सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है अच्छा यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इसको करता हूँ जी डिलीट ये है मेरा डब्ल्यू से मैं जाता हूँ मूव टूल में और लेट से मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ एस ये मेरी रिकॉर्ड होगी की अब मैं यहाँ से आऊँ ठीक है और दोबारा अगर एस प्रेस करूँ तो जगह मे मेरा फ्रेम सेम है अगर आप इस तरह काम करना चाहते हैं ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन तो मैं फ़ाइव पे आता हूँ फाइव पे आके इसको मैं मूव करूँगा और देन प्रेस एस और अब सॉरी डी प्रेस हो गया मैं एस प्रेस करूँगा अब मेरी की देखें रिकॉर्ड हो गई है रेड हो चुकी है ये टाइम लाइन पे यहाँ पर इट्स मीन कि मेरी की रिकॉर्ड हो चुकी है अब अगर मैं स्लाइडर को चेंज करूँ तो वो स्नैप नहीं कर रहा वो जो मेरी पोजीशन मैंने रिकॉर्ड करवाई है जो भी चेंजिंग मैंने रिकॉर्ड करवाई है वो चेंजिंग रिकॉर्ड हुई है ठीक है और वो उसके अकॉर्डिंगली चेंजिंग हो रही है ठीक है जो जबकि आप यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हो रही है अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं राउंड फिगर करना चाहता हूँ लेट से मैं इसको फोर करता हूँ फोर प्रेस करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं एस प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ रिजल्ट ये भी आ गया और अब अगर मैं देखूँ तो वो एग्जैक्ट अगर मैं फाइव फ्रेम पे आऊँ तो मैंने फ़ोर रिकॉर्ड करवाई थी तो फोर ही इधर चेंजिंग जो है वो हो रही है इसको मैं बेशक ऑफ कर दूं यहाँ से ओ, मैं सॉरी भूल गया था लेकिन आपको आगे भी दिखा देता है मैं एट पे आता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ तक जाता हूँ लेट से ये ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव रहा है लेट से मैं इसको कर देता हूँ जी ज़ीरो एंटर आप देखें ऑटो की मेरी ऑफ है यहाँ पे रेड नहीं हुआ जैसे ही मैं एस प्रेस करूँगा ये रेड हो गया और अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरी पोजीशन और जो भी चेंजिंग है वो रिकॉर्ड हो रही है वन से फाइव ये हो रहा रिकॉर्ड और फाइव से एट ये देखें ये रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर मैंने ज़ीरो किया हुआ था रिमेंबर ठीक है जी ये बेसिकली हमारी जो है वो बेसिक्स है इसमें कुछ भी मैं चेंज करवा सकता हूँ मैं इवन यहाँ पर आर प्रेस करूँ और मैं इसको लेट से स्केल कर देता हूँ ऐसे और एसप्रेस करूँगा मेरी रिकॉर्ड हो जाएगी ठीक है अब अगर मैं आऊँ ये देखें ये जा रहा है और उसके बाद आके ये देखें स्केल हो रहा है अब मैं 12 पे आता हूँ और मैं ई e प्रेस करता हूँ मैं कहता हूँ इसको मैंने रोटेट करना है ठीक है और मैं इसको रोटेट करता हूँ और S प्रेस करता हूँ इस जो है जो है वर्क फ्लो के अंदर आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि आपने की रिकॉर्ड किया क्योंकि बिगनिंग में और इवन के आप एक्सपीरियंस भी हो तो काफ़ी दफ़ा इंसान काम कर रहा होता है और इतना वो जो है डेफ्थ में चला जाता है या जो भी मसले मसाइल होते हैं उसमें इंसान फंसा होता है क्योंकि एनिमेशन आपको पता है कि ये टीडीएस वर्क है काफ़ी रिगिंग हो गया एनिमेशन हो गया तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है तो उसके अंदर आप अक्सर जो है वो भूल जाते हैं इसलिए जो है ये सोलूशन है इसका कि ऑटो की आप इसको हमेशा ऑन रखें और इसको तभी ऑफ करें जब आप बिल्कुल हंड्रेड परसेंट श्योर हों कि ये सिचुएशन है या ये इस टाइम वक्त है जिस जगह पे मुझे ये ऑफ ही चाहिए वहाँ पे आपने ऑफ़ रखना है अदरवाइज़ इसको आपने ऑन रहने देना है ये मेरा सजेशन है आगे, आगे आपकी मर्ज़ी है आपका जो भी वर्क फ्लो है आपको सूट करता है आप वो काम कर सकते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ तो होपफुली आता आप भी इस तरफ आ ही जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ तो अभी ये हमने कीज़ लगाई है ये देखें ये सारी चेंजिंग्स हो रही हैं अभी ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है इधर अभी जी पे चेंज हो रहा है आगे मैं आता हूँ लेट से यहाँ पे मैंने इसको स्केल भी किया था ठीक है बाय वे क्यू प्रेस करूंगा तो मैं सिलेक्शन मोड में आ जाऊँगा जो गिज्मो वगैरह होंगे वो गायब हो जाएंगे ये जो आपके डब्ल्यू से मूव और ये ये गिज्मो इसको बोलते हैं तो क्यू प्रेस करने से ये आप देखें यहाँ पे सिलेक्शन टूल में डब्ल्यू तो प्रेस करूँ रोटेट स्केल ये सारा इधर चेंज हो रहे हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लो या क्यू प्रेस कर लो जिस तरह आप होवर करके रखें तो आप देखें इसका जो है सिलेक्ट टूल है और क्यू इसकी जो है शॉर्ट की आ रही है आपको नज़र आ रही होगी मैंने जो है वो आ, अपना जो मैं सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डर है जो मेरा सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता रहा हूँ बेसिक्स जो मैंने काफ़ी टूटोरियल्स बनाए हैं सीरीज़ प्लेलिस्ट अपलोडेड हैं तो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया वह है की रिकॉर्डर जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें जो भी की मैं प्रेस कर रहा हूँ वो साथ साथ आपको डिस्प्ले हो रही होती है इसके अंदर मैंने ज़रूरी नहीं समझा और एक ये एनिमेशन है तो एनिमेशन में हमने ट्रेजेक्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है तो वो काफ़ी अनोइंग हो जाएगा आपके लिए क्योंकि वो सारा कुछ नज़र आ रहा होगा माउस क्लिक्स और वो मैं नहीं चाहता कि आपका जो ध्यान जो है वो बटे तो इस वजह से मैंने ऑफ रखा हुआ है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं अच्छा इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और गिजमस मेरे ऑफ है क्यू से सिलेक्शन टूल में हूँ आप देखें ए, स्केल एक्स और इस पर आप देखें वन पे आया हुआ है और यहाँ पे आप देखें ए, ज, ज, स्केल जी है ये भी वन पे है वाई जो है वन पॉइंट सेवन इसको मैं चेंज कर सकता हूँ लेट से इसको मैं ए, टू कर देता हूँ ठीक है आप देखें यहाँ चेंजिंग हो रही है या मैं इसको कर देता हूँ जी वन और पॉइंट कर देता हूँ ठीक है और एंटर प्रेस करूँगा तो ये वन पॉइंट फाइव इसका स्केल हो जाएगा और अब मुझे जो है ये ऑटो की ऑन है और मुझे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आप देखें हर जगह मेरा जो है यहाँ पर आप देखें ये वन पॉइंट फाइव ही जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी ये चेंजिंग सारी रिकॉर्ड हो रही हैं एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर आए हैं आप अगर वो गिजमोस वगैरह से नहीं खेलना चाहते आप डब्ल्यू और ये प्रेस नहीं करना चाहते हर एक का अपना वर्क फ्लो होता है लेट्स से कि आप यहाँ पे स्केल 1.5 है आप यहाँ पे देखें क्लिक करेंगे ये स्केल वाइज सेलेक्ट हो गया है और आपका घिस्मू आ गया है और आप यहाँ पे सिलेक्ट है आप मिडल माउस क्लिक करेंगे मिडल माउस बटन जो क्लिक करेंगे और प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद आप देखें इसको चेंज आप करें आप राइट right और लेफ्ट इसको जो है वो स्लाइड करें या अप एंड डाउन जो है आप इसको देखें आप इसको स्लाइड करें माउस को तो आपका ये वर्क कर रहा है और इससे क्या होता है इसका आपका लॉक हो जाता है ये चीज़ जिस तरह यहां से लॉक करना चाहूं मैं सिर्फ़ एक्स पे करना चाहता हूं तो यहां से एक्स को प्रेस करूंगा तो एक्स पे लॉक हो जाएगा बाकी गिज्मों आपके सामने देखें गायब हो गए हैं कंट्रोल जी करता हूं अगर मैं जी पे करना चाहूं जी को क्लिक करूंगा तो सिर्फ जी पे हो रहा होगा देखें वहां पे भी जी पे हो रहा है राइट साइड पे आप देखें और यहाँ भी आपको ये येलो कलर का टेंज नज़र आ रहा है जो गिज्मों है ये सिर्फ जी ए की सिलेक्टेड है वो जी है और ये कर सकते हैं अगर मैं मिडल से करूंगा तो मैं तीनों एक्सिस पे देखें आप तीनों एक्सिस पे राइट साइड पे भी आप ऊपर देखें वहां पे भी चेंजिंग हो रही है जो चैनल है उसके अंदर अच्छा एक तो तरीका ये यह है यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं मैंने जी सेलेक्ट किया है मिडल माउस मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखूंगा और मैं इसे लेफ्ट राइट करूंगा ठीक है तो आप देखें उस पर लॉक है और यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है ठीक है ये काफ़ी सारे तरीकाकार जो है वो हो सकते हैं लेफ्ट से मैं वाई पे आता हूँ और वाई पे लेफ्ट से मैं टू कर देता हूँ राउंड फिगर और ये भी एक तरीका है जी बेसिकली अगर आप यहाँ पे लेट से मैं आता हूँ वन है मैं यहाँ पे करता हूँ वन पॉइंट फाइव अगर मैं जो नम पैड है वो वाला एंटर प्रेस करता हूँ आप देखें ये अभी भी स्टिल एडिट मोड में है आप एस कुछ भी प्रेस करते हैं डब्ल्यू प्रेस करते हैं वो देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है अल्लाह के आप स्केप प्रेस नहीं करते दूसरा तरीका है लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ मैं वन प्रेस करता हूँ और मैं जो कीबोर्ड वाला है जो अल्फाबेटिक वाली साइड है वहाँ का जो एंटर है अगर वो प्रेस करता हूँ ये देखें ये मेरी कमांड फाइनलाइज कर देगा वो एडिट मोड से बाहर आ जाएगा तो ये दोनों एंटर प्रेस करने का ये भी डिफरेंस है ये भी आप माइंड में रखिएगा अच्छा तो इस वीडियो में इतना ही है नेक्स्ट वीडियो में इनशाला जो है हम आ, ग्राफ एडिटर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और बिलीव में ग्राफ एडिटर से बहुत सारे जो बिगनर हैं वो उसे घबरा जाते हैं डर जाते हैं लेकिन बिलीव में ट्रस्ट में ये आपका बेस्ट फ्रेंड है एनिमेटर का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो ग्राफ एडिटर है ये आपकी हर जगह ऐस सेव करेगा इसको सिर्फ देखने में स्टार्ट में बहुत भयानक लगता है बहुत कोई रॉकेट साइंस लगती है लेकिन इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इतना भयानक नहीं है इसको सिर्फ अच्छे तरीके से समझने की लर्न करने की जरूरत है अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आप अगर अच्छे तरीके से इसको लर्न कर जाएंगे अंडरस्टैंड कर जाएंगे बिलीव नहीं इससे आप सारी जो एनिमेशन है ऑल द टाइम जो आप मैक्सिमम uh, टाइम है एनिमेटर का वो ग्राफ एडिटर में ही गुजरता है जब भी आप पॉलिशिंग वगैरह और सारा कुछ कर रहे होते हैं एनिमेशन फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो ग्राफ एडिटर के अलावा आप ये काम नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में है, जो है वो ग्राफ एडिटर जो है वो डिटेल में समझेंगे थोड़ा और उसके बाद जो है फिर हम एक्चुअल जो है बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन की तरफ जाएंगे ताकि आपको जो है उसमें फिर कोई इतना मसला आ, कोई जो है उसमें पेश ना आए और मैं इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आप जो है वो आ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है हज़म कर पाएँ और जो आ, बेसिकली मैं बताने को आपको अभी बैठ के एक ही वीडियो में बता दूँ लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है मैं चाह रहा हूँ कि आप स्टेप बाई स्टेप चलें आप कोई भी काम करते हैं तो आप लेट से क्रॉलिंग करते हैं उसके बाद आप चल चलते हैं फिर आप भागते हैं और फाइनली एक दिन आता है कि आप जो है वो फ्लाई भी करते हैं तो इसी टर्मिनोलॉजी के साथ इसी तरह ही हम चलेंगे और हम बेसिकली भी क्रॉलिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम इनशाला चलेंगे वॉक करेंगे फिर रन और उसके बाद हम इनशाला फ्लाई करेंगे माया के अंदर एनिमेशन के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है अपना अपने गिरधनुमा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आ, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज